मैं तो पहले बोल रहा था, लेकिन इनके कुछ चाटू फैंस है, उनको तो डंकी डंकी कर देते बैठ के। फुट गई टंकी तुम्हारी। तो तौसीफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली डंकी मूवी आपने देख ही लिया, और बताओ कि आपको कैसी लगी ये डंकी मूवी। सबसे पहले तो ये बोलूँ क्या भाई, ये मेरे को मेरे दोस्त ने घसीट के लेके गया था डंकी। मैं तो टिकट नहीं निकाला था, मेरे दोस्त ने लेके गया। तो मैं बोला चलो, वो शाहरुख खान का फैन है, बुला रहा है। हमारे टाइम पे टाइगर 3 में आया था वो। अच्छा, तो मेरे को ज़बरदस्ती लेके चले गया। तो मैं चले गया, मैंने अपने पैसे से तो नहीं खरीदा टिकट, लेकिन मैं चले गया क्योंकि मैं तो आपको मालूम ही है बता। हाँ चले गया मैं, लेकिन जब पिक्चर देखने गया ना भाई, तो मैं सो गया था। अरे माँ, सर का दर्द हो गया, आगे पेन किलर लेके गया मैं। घर पे आया, घर पे आया, पेन किलर खाया, उसके बाद भी मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा था। इतनी घटिया पिक्चर है, इतनी वाहियात पिक्चर है। मेरे को तो, मैं पहले बोला था आपके रिव्यू में मैंने, क्या ये पिक्चर नहीं चलेंगी, लेकिन आप लोग फिर भी बोले थे क्या नहीं, शाहरुख खान है, राजू ईरानी है, स्टोरी में दम रहता है। क्या दम है भाई, कुछ भी दम नहीं है। डंकी यानी जो डंकी, ऐसा नाम रखे उन्होंने क्या, जैसा कबूतरबाजी, वो क्या बोलते हैं उसको, पुराने ज़माने में होता था ऐसा, वीज़ा चोरी से जाते थे, वीज़ा नहीं मिलता था तो। लेकिन वो कोई दम नहीं लगा स्टोरी में भाई मेरे को। मतलब शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है 2023 में, क्या मतलब, जिसने पठान दिया, फिर उसके बाद जवान दिया, अचानक ये जॉनर का पिक्चर था, फिर भी उनके चाटू काटते फैंस है ना, तो चाटते रहते उनकी, तो उनको तो बोलते ना क्या भाई, पिक्चर खाली है लेकिन फिर भी दिखाना कुछ अलग है। वैसा हुआ, पूरी खाली है पिक्चर, आज भी शो खाली है, काउंटर पे टिकट मिल रही है, 4 शो पूरे खाली है। इसको स्टारडम थोड़ी बोलते हैं भाई, वेयर इज द ब्लडी स्टारडम। राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन, जिन्होंने पीके, थ्री इडियट, मुन्ना भाई, संजू, इस बार जादू नहीं दिखा पाए भाई। जादू, मैंने तुम्हारे को पहले बोला था, जादू दिखाने के लिए एक जादूगर एक्टर चाहिए, वो आमिर खान है। मैंने पहले बोला था वीडियो में, लेकिन लोगों को वो बात चुभ रही थी लोगों को बात। शाहरुख खान के फैंस ऐसे है ना भाई, एकदम थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास फैन है शाहरुख खान के। उनको ना वो एक्टर के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, मैं तो ओपन बोलता। ऐसी भी तुम लोग गाली देते हो, ऐसी भी गाली दो, अपने को तो आई डोंट केयर, जो सच है वो तो बोलूँगा ही मैं, और सच हमेशा चुपता है। वो लोग को इतनी गांड जल गई, वो लोग की इतनी गांड जल गई क्या, वो लोग ने सलार को सलवार ही बना दिए। अब वो जाके वो लोग अपना सलवार पहनेंगे, उसका नाड़ा टाइट करेंगे, उसके बाद वो लोग को सुकून मिलेगा, ना तो वही नाड़े से ना अपना गले का फंदा लेके लटक जाओ तुम लोग। पहल के चले गई पिक्चर टपा टप। बोला था पहले इसमें प्रशांत नील से एड़े छाले नहीं करने का बोल के, लेकिन नहीं, मतलब कि बोल सकते कि 2018 रिपीट हो गया। मैं तो पहले बोल रहा था, लेकिन इनके कुछ चाटू फैंस है, उनको तो डंकी डंकी कर देते बैठ के। फुट गई टंकी तुम्हारी। हाँ वही हुआ ना भाई, इतना VFX भर दिए, 16-17 साल का दिखा दिए क्या, पूरा समझ में ही नहीं आ रहा क्या, वो शाहरुख खान 60 साल का शाहरुख खान इतना दिख रहा। सलमान खान के ऊपर भी VFX होता है, लेकिन वो एक हिसाब से बताते हैं लोग भाई, लेकिन सलमान खान से तो लोगों को इतनी छुपाने जिसका कोई हद ही नहीं है। सलमान खान का नाम लिए बिना वो लोग को रातों की नींद हराम हो गई है। अब डंकी लगने के बाद भी सलमान खान का नाम ले रहे हो लोग, सोचो सलमान खान के नाम से सिर्फ हाइप बना रहे। हाँ हाइप बना रहे, ये तो सही बात है। अरे ये तो सही बात है, जैसा हमारा हीरो है वैसा हम फैंस है, दिलदार है, जो हमारा हीरो बोलता वो हम करते। तुम्हारा हीरो क्या बोलता। देखो हमारे हीरो ने जवान के टाइम पे सपोर्ट करा था, खास करके उनके इंस्टाग्राम आईडी पे जवान का ट्रेलर डाल के सलमान भाई ने ये अपील करे थे अपने फैन से, क्या मतलब जाके ये थिएटर में देखो पिक्चर बोल के। शाहरुख खान ने कौन सी पिक्चर सपोर्ट कर दिया भाई की, उल्टा भाई टाइगर 3 में आगे पिक्चर का सत्यानाश कर दिया उसने। तो ये जलन है भाई, ये जलन है इनके फैंस ना, जलन तड़े एकदम, उनकी शक्ल पे देखो कितनी जेलसी रहती है। वो लोग ना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और दूसरे को पागल समझते हैं, उनका तो वही है। इतने साल से वही रोना लगा है लोग, और आगे भी वही रोना लगे रहेंगे। वो लोग कभी सुधरने वाली कौम ही नहीं है, और ना कभी लोग सुधरेंगे। वो लोग थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास ही रहेंगे, अनपढ़ गवार जाहिल फैंस है वो लोग एकदम। चलिए एंड में अगर रेटिंग देनी हो तो क्या होगी आपकी रेटिंग? -0। जीरो? हाँ 2018 वाली -0। अच्छा दम ही नहीं है, एकदम फालतू पिक्चर है। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेलकम।